हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पांच ऐसी टिप्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो हर क्लास 12th स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं पूरे ईयर के लिए। बाय द वे, ये किसी ईयर के लिए वीडियो नहीं है, ये यूनिवर्सल वीडियो है जो हर क्लास 12th स्टूडेंट को हेल्प करने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल्स बंद हैं। अब स्कूल बंद होने की वजह से टीचर्स से हमें इनफ गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि हम प्रिपरेशन अपनी करें तो कैसे करें, तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको कुछ ऐसी टिप्स दे सकूँ जो आपके पूरे साल के लिए हेल्पफुल रहेंगी आपके प्रिपरेशन में। तो पहली टिप जो आपको याद रखनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि हमें टॉपिक्स को समझना है, जस्ट मेमोराइज नहीं करना है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बात सोच के रखी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक मूवी दिखाता हूँ, ओके, आपने उस मूवी को पूरी तरीके से समझा हुआ है, ओके, नाउ अगर कोई और पर्सन आता है वो पूछता है कि मूवी में क्या क्या था, आप क्या करोगे? एक बार में उसको सारी चीज़ें बता दोगे? ओके, लेकिन अगर मैंने एक कहानी है आपको बताई बहुत टेढ़ी मेढ़ी करके, जैसी भी मैंने बताई आपको समझ में नहीं आई, आप मैंने आपसे कहा कि भैया इस कहानी को आप याद कर लो, ठीक है, अब कोई सामने वाला आके आपसे पूछता है उस बंदे ने आपको क्या कहानी बताई, आप क्या बताओगे? टूटी फूटी सी कहानी बताओगे जैसा आपको समझ में आया, अच्छे से तो बता नहीं पाओगे। और एक महीने बाद अगर वही कहानी पूछी जाए आप कहोगे मुझे याद नहीं है वो कहानी, उसने सही से बताई नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आई। क्यों कहोगे? क्योंकि आपने उस कहानी को समझा ही नहीं। उसी प्रकार से आपकी पढ़ाई भी है, जब तक आप किसी टॉपिक को समझोगे नहीं आप बाद में उस टॉपिक को रिकॉल कैसे पढ़ कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी टॉपिक को याद तो कर लिया लेकिन आपने समझा नहीं, तो एक महीने बाद उस टॉपिक को कैसे बताओगे, आप नहीं बता पाओगे। इसलिए आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, जिसके लिए मैं एक टिप और डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो के एंड में। नेक्स्ट टिप है कि हमें ईयर के बिगनिंग से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। जिन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। जिन्होंने नहीं की है भैया सीरियस हो जाओ। एंड में ये नहीं है, ये मत सोचना कि एंड में हम तेज तेज दौड़ लेंगे, एंड में तो हमें तेज तेज दौड़ना ही है, हमें जल्दी जल्दी रिविजन करना ही है, लेकिन वो रिविजन हम जब ही कर पाएंगे जब हमने पूरे साल पढ़ा होगा, पूरे साल हमने धीरे धीरे करके चीजों को पढ़ा होगा, समझा होगा, जब ही हम एंड में तेज दौड़ के रिविजन कर पाएंगे। वरना ये मत सोचना कि ईयर एंड में हम कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट टिप इज कि हमें बुक्स और रिफ्रेशर से पढ़ना है जो कि हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं, ना कि गाइड से। अच्छा, अगेन मैं इसको मूवी से रिलेट कर रहा हूँ। आपको मैंने 3 घंटे की मूवी दिखाई, अब मैंने कहा बताओ भैया इस मूवी में क्या क्या था, आप कितनी देर में बताओगे उसको? 5-10 मिनट में बता दोगे ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन अगर वहीं मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड का ट्रेलर दिखा दिया, अब आप उसको कितनी देर में बताओगे? प्रॉबेबली 5-10 सेकेंड में बता दोगे, ओके। तो बुक्स के केस में क्या होता है, बुक्स में अगर 10 पेज लिखा है तो गाइड में ट्रेलर होता है, उसका क्रक्स होता है 1-2 पेज। जो बुक से आप पढ़ोगे अगर 10 पेज तो आप 1-2 पेज याद रख पाओगे, गाइड से आपने 2 पेज ही पढ़े हैं तो आप कितना याद रखोगे? आधा पेज मुश्किल से। तो इससे जो आपका कंटेंट है वो कम हो जाएगा जो आप लिखना चाहते हो एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, बुक्स और रिफ्रेशर से पढ़ना है जो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे, कंटेंट आपको ज़्यादा दे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिमेंबर कर पाओ, लिख पाओ, ओके। नाउ टिप नंबर 4 इज कि हमें RNRR का रूल अप्लाई करना है अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। नाउ RNRR का रूल क्या है, ये रीड से शुरू होता है, बट ये यहाँ पे रीड से थोड़ा आगे जाते हैं, क्योंकि मैंने रीड से इसको इसलिए शुरू किया, सॉरी, क्योंकि अभी स्कूल्स नहीं खुले हैं। अगर स्कूल खुल जाते तो हमें क्या करना है, अगर हमने स्कूल में पढ़ा है उसके बाद घर आके हमें बुक से पढ़ना है, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, नोट्स बनाने हैं जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। नाउ हमने अगर स्कूल में जो भी चीज़ें पढ़ा उसको हमने आगे बुक्स से पूरा फिर से पढ़ा, उस चीज़ के नोट्स बनाए, एंड देन वीक के एंड में हमने जो जो पढ़ा उसको फिर से रिवाइज कर लिया, एंड मंथ के एंड में उसको अगेन रिविज़न किया। नाउ आप देखोगे कि अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो स्टेप बाय स्टेप आपका टाइम कम लगने लगेगा। पहली बार पढ़ने में अगर आपको 4 घंटे लगे हैं तो दूसरी बार रिवाइज करने में मुश्किल से आपको 30 मिनट या 40 मिनट ही लगेंगे, और फिर तीसरी बार रिवाइज करने में 10-15 मिनट। क्यों? क्योंकि आप यार अगर आपको एक मूवी बार बार दिखा दी जाए आप तो मूवी से फैमिलियर हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा अब इसके बाद ये होने वाला है, ठीक है। वैसे ही तो आपकी एजुकेशन भी है, आपकी जो आप पढ़ रहे हो वो चीज़ भी तो वैसे ही है ना, आपकी जो माइंड है वो एक जैसे ही हमेशा काम करता है।
लास्ट टिप इज कि जब स्कूल खुलते हैं या फिर अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो आपको ऑनेस्टली अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, नहीं तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप से फ्रॉड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो ट्वेल्थ का स्कोर है वो कहाँ पे आपका यूज होगा? कॉलेज एजुकेशन में। जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो ट्वेल्थ का स्कोर यूज होगा। ऑल दो लोग कहते हैं कि स्कोर से कुछ नहीं होता, बट यार अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो, अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो अच्छे से समझ लो ना चीज़ों को। चीज़ों को आपने समझ लिया, रटा नहीं है, तो अपने मन से मार्क्स आ जाएगी, अपने मन से मार्क्स आएंगे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू अगेन आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है। एंड आई होप कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो आप कमिटेड हो अपनी क्लास 12 प्रिपरेशन के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।